भैया और आनंदित भैया हमेशा बड़े भाई की तरह प्यार देते हैं। इवेंट की बात तो अलग है, वैसे भी पर्सनल मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि कोई जाति धर्म की पहचान से ना जाना जाए, कोई जाति धर्म की पहचान से ना जाना जाए, हर कोई बस अपने काम से जाना जाए। और मजहब प्रांत से ऊपर सदा रहे तिरंगा, मजहब प्रांत से ऊपर सदा रहे तिरंगा, हमें हमेशा हमारे हिंदुस्तान से जाना जाए। ना किसी राजा की शान को लिखकर, ना किसी राजा की शान को लिखकर, ना ही महबूबा के इसको मान को लिखकर, लिखा अब तक था पर सुकून तब मिला, लिखा अब तक तो बहुत था पर सुकून तब मिला, कलम धन्य हुई शहीदों के बलिदान को लिखकर। बहुत सारी लड़कियां हैं, तो भैया ने आखिरी में बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी बेटियों के लिए, मैं भी पढ़ता हूँ उनके लिए कि कोख में आने से ही दुश्वारियां फिर भी घर को स्वर्ग बना रही हैं, हर कदम पर है बंद से पर वो आसमां तक जा रही हैं, और ये जमाना उनके कपड़ों की माप ही तय करता रह गया, ये जमाना उनके कपड़ों की माप ही तय करता रह गया, बेटियां आंगन से लेकर ओलंपिक तक तिरंगा फहरा रही हैं। शेर की बात बात पर तनकर खड़े हो गए, बात बात पर तंकर खड़े हो गए, बाप समझ गया कि बच्चे बड़े हो गए, बाप समझ गया कि बच्चे बड़े हो गए, और बहू को पसंद नहीं है माँ के साथ बैठ कर खाना, बहू को पसंद नहीं है माँ के साथ बैठ कर खाना, बिना बांटे ही घर के दो धड़े हो गए। बात बात पर तंकर खड़े हो गए, बाप समझ गया बच्चे अब बड़े हो गए, बहू को पसंद नहीं है माँ के साथ बैठ कर खाना, बिना बांटे ही घर के दो धड़े हो गए, और अपने ही बनाए घर में दिन भर बैठा रहता है वो, अपने ही बनाए घर में दिन भर बैठा रहता है वो, इस बात पर भी कितने झगड़े हो गए। और ये है कि वहाँ क्यों जाते हो जहाँ रिश्तों का व्यापार हो, बहुत धोखे वाली बात है, वहाँ क्यों जाते हो जहाँ रिश्तों का व्यापार हो, तुम इतना भी क्यों उसके तलबगार हो, और बेवफाई के बाजार में वफा ढूंढने वालों, बेवफाई के बाजार में वफा ढूंढने वालों, तुम अपनी हालात के खुद जिम्मेदार हो, और इश्क में ही दर्द होता है ये भूल है तुम्हारी, इश्क में ही दर्द होता है ये भूल है तुम्हारी, कभी बेरोजगारी से मिलो जिसकी डिग्रियां हजार हो, और गरीबी चैन से भी सो जाती है ठंड में चौराहों पर, गरीबी चैन से भी सो जाती है ठंड में चौराहों पर, और अमीरी रात को जागती है मखमल हो या बंद दीवार हो, और आंसू ही बचे हैं सपनों की जगह, आंसू ही बचे हैं सपनों की जगह आंखों में किसानों के, आंसू ही बचे हैं सपनों की जगह आंखों में किसानों के, दिखती तरक्की भाषण में या विज्ञापन वाला अखबार हो, और बदल सकती है तस्वीर झोपड़ी की पर बदली जाती नहीं, बदल सकती है तस्वीर झोपड़ी की पर बदली जाती नहीं, सियासत उतनी ही फलती है जनता जितनी लाचार हो। रह रहकर कितने लोग आते गए जिंदगी में, रह रहकर कितने लोग आते गए इस जिंदगी में, बस गिनती के निकले जो अपने में शुमार हो, और कोई माँ बाप किसी वृद्धाश्रम ना जाए, कोई माँ बाप किसी वृद्धाश्रम ना जाए, मुल्क के हर घर में ऐसे परिवार हो। और दूसरे और पढ़ता हूँ, अभी जैसे हमारे चीफ गेस्ट थे सर, जो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, अनेक लोग पहुंचते हैं लेकिन उसके पीछे क्या होता है वो संदर्भ में बताता हूँ कि अपने हौसलों को सच में बदलते देखा, उपहास करने वालों का उपहास बनते देखा, तैयारी के दौर में उपहास उड़ाया जाता है जब एक उम्र के बाद, उपहास करने वालों का उपहास बनते देखा, जो जवानी किताब संग गुजरती है कमरे में,
जो जवानी किताब संग गुजरती है कमरे में, उनको हमेशा हमने इतिहास रचते देखा, उनको हमेशा हमने इतिहास रचते देखा। मैं गाकर अपन पढ़ता नहीं हूँ तो माइंड मत करना, सुरागार है वगैरह वगैरह। और अभी आप काफी लिख रहे हैं प्रभु श्री राम के ऊपर, अभी एक दो रचना आई तो मैंने भी आपको देखकर ही उस दिन लिखने की कोशिश की कि सब एक साथ आए तो बात और ही है, सब एक साथ आए तो बात ही और है, एक ही रंग में रंगा हर कोई ये वो दौर है। आने को तो प्रभु हर बार ही आते हैं, आने को तो प्रभु हर बार ही आते हैं, राम जैसे अब आए हैं बात ही और है, राम जैसे अब आए हैं बात ही और है। बहुत बहुत शुक्रिया।